तो तू जागा था हाँ। और तूने मेरा चेहरा भी देख लिया। अब तुझे इसकी नहीं, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। बेड साफ कर देना। उस लड़के ने मेरा चेहरा देख लिया था, इसलिए उसे सुनो, लाश को ठिकाने लगाने के बाद बाकी सबको बाहर भेजो, डिलीवरी देनी है। आजा आजा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी कर, नया माल आ रहा है, ले जल्दी ले। सो ये हमारा बेटा है उज्जवल, आज पूरे 7 दिन हो गए हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आपके पास आए। सर हमने तो पैसे भी इकट्ठे करके रखे हैं, लेकिन किसी किडनैपर का कोई फोन भी नहीं आया। आपको ऐसे क्यों लगता है कि उज्जवल को किसी ने किडनैप किया? ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहीं गया हो या फिर अपने किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हो। नहीं सर, हमने हर जगह ढूंढ लिया है, जितने भी उसके दोस्त थे सब जगह पूछ लिया है, किसी के घर पे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे डांट वांट दिया और वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया हो? नहीं सर, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज तक हमने उसे कभी नहीं डांटा। डांटा नहीं, किडनैपिंग का फोन नहीं आया, किसी दोस्त के घर नहीं गया, फिर गया कहाँ? अच्छा एक बात बताइए, उसका किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था? आप लोग सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? या फिर लोकल पुलिस की तरह ये कह दो कि आपसे ये केस सॉल्व नहीं होगा, आप हमारे बच्चे को नहीं ढूंढ पाएंगे। हम अब चुप रहिए ना, बात कर रहे हैं। अरे कैसे चुप रहूं, पोता है मुंह बिना। सर ऐसे कई सवाल बहुत बार पिछले 7 दिन में लोकल पुलिस हमसे पूछ चुकी है, सब उम्मीद खत्म होने के बाद हम लोग आपके पास आए हैं। एक मिनट, हमने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि हम उज्जवल को ढूंढ नहीं पाएंगे। हम वादा करते हैं कि आपके पोते को हम जरूर वापस लेकर आएंगे, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। जो हम सवाल पूछ रहे हो उसके लिए है, ये जरूरी है हमारे केस के लिए। अच्छा जब ये घर से निकला था तो क्या कहकर निकला था? कोई दोस्त वगैरह था साथ में? नहीं सर, उसका कोई दोस्त उसके साथ नहीं था। घर से तो यही बोल के गया था कि साइकिल चलाने जा रहा हूँ। साइकिल? सर फिर तो किडनैपिंग जेके नगर में हुई होगी, क्योंकि लोकल पुलिस को इसकी साइकिल और इसके स्लीपर जेके नगर में मिले। जेके नगर तो एकदम सुनसान है, यहाँ पे साइकिल चलाने आया क्यों होगा? वही तो, ऐसे जगह पे क्यों आएगा, जरूर उसके साथ कोई तो होगा। अभिजी सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपिंग कहीं और की हो और यहाँ से लेकर गया हो? हाँ, और फिर रास्ते में चप्पल और साइकिल फेंक दिया। मगर यहाँ से लेकर आ गए होंगे उसको? बदबू आ रही है, कचरे के डिब्बे हैं। सर आगे पास में ही डंपिंग ग्राउंड है, पूरे एरिया का कचरा वहीं पे डाला जाता है। गार्बेज डंपिंग ग्राउंड? लेकिन एक बात बताइए, आपका बेटा उज्जवल कितने बजे घर से निकला था? उस वक्त कुछ ऐसे 4 के आसपास। 4 के आसपास? अभिजीत हो सकता है कि यहाँ कचरा डालने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, उनमें से किसी ने बच्चे को देख लिया हो? हाँ सर, उस वक्त कचरे वाले पूरे एरिया का कचरा लेके आते होंगे यहाँ पे। तो फिर उन्हीं में से किसी को पूछते हैं। कचरे वाला क्या बताएगा साहब, उसे अपने काम से फुर्सत कहाँ, वो तो उसी में मशगूल रहता है। यूं अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा? एक मिनट। अरे सुनना भाई, हम लोग सीआईडी से हैं। जी सर। अब जरा ये फोटो देखना, इस बच्चे को आपने आजकल में देखा है क्या? 7 दिन से गायब है। 7 दिन से? हाँ साहब, मैंने इसको देखा है। देखा था? कहाँ देखा? यहीं पे देखा सर, मैं कचरा लेके जा रहा था। आप
मैं देख के नहीं जाता क्या साइकिल? हाँ एकदम गाड़ी के सामने आ गए। लेटू लेटू अरे अरे अंकल मैं ठीक हूँ। अरे बेटा अरे भाई जल्दी आओ। अंकल मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे नहीं बेटा तुम बात नहीं समझ रहे हो। अरे एक बार डॉक्टर को दिखा लोगे तो सब ठीक हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा एक बार डॉक्टर देख लेगा ना तो सारा बहम दूर हो जाएगा। चलो कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप लेटो लेटो अरे मुझे जाने दीजिए। चल एक बार डॉक्टर देख लेगा बेटा। किडनैप करने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया? कोई छोटे मोटे बदमाश का काम नहीं लगता सर, पूरा गिरोह है कोई। ये कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग का काम है, पता लगाना पड़ेगा इस गैंग का। जरा इधर आइए आप। हाँ सर। ये आपको याद है उस एम्बुलेंस में कुछ लिखा था क्या? अरे तुमने एम्बुलेंसेस देखी है ना कितनी सारी। हाँ, तो एम्बुलेंस के साथ साथ के साइड में कभी लिखा रहता है कौन से हॉस्पिटल का नाम होता है या फिर किसी कंपनी का नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ऐसे कुछ लिखा हुआ था क्या? नहीं साहब, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ एम्बुलेंस लिखा हुआ था। खाली एम्बुलेंस लिखा हुआ था। अभिजीत ये नई एम्बुलेंस है, पता लगाना पड़ेगा पिछले महीने में शहर में कितनी नई एम्बुलेंसेस खरीदी गई है और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला गैंग इनके बारे में भी पता लगा। तुम्हें याद है एम्बुलेंस वालों के चकल याद है तुम? एकदम गाड़ी के सामने आ गए। लेटो लेटो अरे अरे अंकल मैं ठीक हूँ। हाँ साहब मैं एक को पहचान सकता हूँ, वो जो पहले गाड़ी में से उतरा था। पूर्वी इनसे स्केच बनवा लो और उसका पोस्टर बनवा कर पूरे शहर में लगा दो। हाँ जी CID ब्यूरो जी, मैं बॉबी गैराज से रामू मैकेनिक बोल रहा हूँ। आपने जिस आदमी का पोस्टर चिपकाया ना वो हमारे गैराज में आया था। हाँ हमारे गैराज में। हाँ एम्बुलेंस ठीक करवाने आया था। हाँ जी और उसका सामने वाला ग्रिल टूटा हुआ था। सर एम्बुलेंस इस रास्ते से गई। सर सर ये वही एम्बुलेंस है। गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी की हुई? एम्बुलेंस को यहाँ पे खड़ा किया तो कोई खास वजह होगी। हेलो ट्रेनर, खतरा हो सकता है और तुम जाके गाड़ी में बैठो। खतरा लगे तो भाग जाना या फिर कहीं पे छुप जाना, ठीक है? ये लो सर, सब कुछ कर करा के यहाँ पे लेटा पड़ा है। राइट हो जा। लेटा हुआ नहीं है, हमेशा के लिए लेट गया ये। इस किडनैपिंग में इस आदमी के अलावा कोई और भी है, ऐसे भी सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ सर, उस गैराज वाले ने जिस आदमी के बारे में बताया उसका खून हो गया सर। अच्छा ठीक है। हाँ दया का फोन था, एम्बुलेंस मिल गई है, लेकिन उस एम्बुलेंस के अंदर उस पोस्टर वाले आदमी की लाश भी मिली है। किसी ने मार डाला है उसे और फेंक दिया एम्बुलेंस में। भाई किडनैपिंग गैंग वाले होंगे, उनको पता चल गया होगा कि CID पीछे पड़ी है उसके। इसके पहले हम पहुंचे काम तमाम कर दिया। बड़े चालाक लोग हैं, सारे सबूत मिटाते जा रहे हैं। सर सर हमारे इन्फॉर्मर्स का कहना है कि शहर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कोई भी गिरोह एक्टिव नहीं है, लोकल पुलिस का भी यही कहना है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, लोकल पुलिस को या फिर इन्फॉर्मर्स को पता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी गैंग एक्टिव नहीं है शहर। अरे ये लोग थोड़ी डंका पीटने वाले कि हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के धंधे में नहीं, ये तो दिखाने के लिए किसी और धंधे में होंगे। दिखाने के लिए शराफत और अंदर काले काम। हाँ सर, एक और एम्बुलेंस के बारे में पता चला है, 10 दिन पहले खरीदी गई थी। किसने खरीदी? सर DBV हॉस्पिटल, किडनैपिंग के एक दिन पहले खरीदी। DBV हॉस्पिटल, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हॉस्पिटल से। सर आप लोग तो बोल रहे थे ना कि एम्बुलेंस पे कुछ लिखा नहीं था, हमारा तो पेंटिंग कब का हो चुका है। और सर आप
क्यों हॉस्पिटल को बदनाम कर रहे हैं? आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि डीपीवी हॉस्पिटल ऐसे कुछ कर सकता है? सर वैसे आपको पता नहीं, हमारा मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मैनेजमेंट के परमिशन के बिना यहाँ से एम्बुलेंस बाहर जा ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जो कुछ भी गैर कानूनी यहाँ पे हो रहा है उसकी खबर मैनेजमेंट के टॉप ऑफिशियल को ना हो। क्यों? फिर भी सर ऐसा करना नामुमकिन है। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई काम करने वाला हो, चोरी छुपे किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व हो। आप लोग सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप हमारे हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक कर सकते हैं। वो तो हम देखेंगे। सर लगता है कि दया को जो एम्बुलेंस मिली थी शायद इस हॉस्पिटल के है नहीं। उज्जवल के दादाजी है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये वार्ड बॉय कहाँ है? ये अभी अभी तो यही था। वार्ड बॉय तो हॉस्पिटल का ही है, पता चल जाएगा। एसीपी साहब। हाँ सर। अच्छा ओके ओके सर। या उज्जवल मिल गया। कहाँ मिला? ये कचरा चुनने वालों को डंपिंग ग्राउंड में मिला था, लोकल पुलिस उसे ब्यूरो लेकर आई है। सर कमाल की बात है, किडनैपर ने बिना कोई डिमांड किए बिना कुछ किए बच्चे को छोड़ दिया। ये बात तो है, बाकी बातें ब्यूरो में पता चलेंगे। उज्जवल, उज्जवल बेटा याद करो, याद करके बताओ ना कहाँ लेकर गए थे वो लोग तुम्हें, याद करो। इसी भयंकर मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं। उज्जवल ऐसे नहीं करते बेटा, देखो बेटा याद करने की कोशिश करो, कहाँ लेकर गए थे वो लोग तुम्हें? नहीं इसी बैंक, मुझे कुछ याद नहीं यार। ऐसे नहीं बेटा, तुम्हें याद करने की कोशिश करनी है। तुम चाहते हो ना कि वो लोग जिन्होंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी उनको सजा मिलनी चाहिए, वो पकड़े जाने चाहिए, हुँ? इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे कुछ याद नहीं है, और मुझे याद आएगा भी कैसे? उन लोगों ने मुझे एम्बुलेंस में डाला, फिर उन्होंने मेरी गर्दन में सुई चुभ ली, और फिर बस अंधेरा ही अंधेरा, मैं बेहोश हो गई। अच्छा बेटा कभी तो तुम्हें होश आया होगा ना? इसी भी अंकल, जब भी मुझे होश आता था वो लोग मुझे इंजेक्शन मारते थे और फिर मैं बेहोश हो जाता था। तो जब तुम्हें दोबारा दोबारा तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था, क्या उस वक्त तुमने किसी को देखा? धुंधला सा देखा होगा, चलो और तो और शायद तुमने उनकी बातें सुनी होंगी, कोई नाम वगैरह याद आता जो उन्होंने लिया होगा, किसी जगह का नाम, कुछ भी, कुछ भी बेटा। तुझे रमोना का एड्रेस नहीं मालूम? भेज उसे। रमोना नाम नाम बार बार बोल रहे थे। रमोना जुआन बेटा ये याद करके बताओ, जहां पर लोग कचरा फेंकते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, गार्बेज डंपिंग ग्राउंड होता है, वहां पर क्यों गए थे तुम? मुझे मुझे वहां दादाजी ने जाने को कहा था। दादाजी ने
तो उसके दादाजी ही लगते हैं। मेरे चाचा हैं, हमारे गांव के ही हैं। वो यहाँ अपने पोते का इलाज कराने आए हुए हैं। उज्जवल, दादाजी ने तुम्हें डंपिंग ग्राउंड पर जाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा दादाजी ने ऐसे? उनके उनके पोते के लिए कोई बाबा से जड़ी बूटी लाने के लिए। जड़ी बूटी? जड़ी बूटी? तो फिर आज महिपाल जी हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? अगर उन्हें जड़ी बूटी से इलाज करवाना था? अरे आप तो चाचा जी के पीछे पड़ गए। उनका पोता वहाँ एडमिट है। सर, हम अपने बेटे को लेके घर जाएं? नहीं मैम, एक मिनट। पहले कुछ टेस्ट करनी है, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा सही सलामत घर वापस आ गया है, तो चेकअप की क्या जरूरत है? देखिए, इसे आराम की जरूरत है, प्लीज। देखिए सर, बच्चा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ हमारे नियम कायदे होते हैं, उनका पालन करना ही पड़ता है। टेस्ट तो करने पड़ेंगे। उज्जवल, एक बात बताओ, मैंने देखा है जब से तुम यहां आए हो, यहां अपने पीठ के यहां खुजा रहे हो, क्या है? कुछ हुआ है तुम्हें वहां पर? कोई दर्द है, जख्म है, क्या है? मैं चेक करता हूं। एक मिनट। माय गॉड, माय गॉड। ये निशान कैसे है? ये तो ऑपरेशन का निशान है। बच्चे का पेट काटा गया है और स्टिचेस लगाए गए। अब समझिए आप मेडिकल चेकअप क्यों जरूरी है? बस ये तो किडनी के बिल्कुल ऊपर है, इसका तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। देख साहब जी, जो कुछ भी करना है जल्दी करना। मैं लेके जाता हूँ। हाँ बेटा। मुझे डर लग रहा है अभिजीत, कि कहीं इस बच्चे के पेट के अंदर का कोई ऑर्गन गायब तो नहीं किया किसी ने? महिपाल चाचा एक दिन कह रहे थे कि उन्हें अपने पोते का किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। कुर्बी, जरा चेक करो, ये महिपाल जी अभी हॉस्पिटल में है क्या? यकीन ही नहीं हो रहा, बुड्ढा ऐसा कर सकता है? उन्होंने नहीं किया है तो करवाया होगा। सर ऐसा लगता है इस डीपीवी हॉस्पिटल में कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रैकेट वगैरह चल रहा है। महिपाल जी के पोते का इलाज वहीं चल रहा था और वो एक वार्ड बॉय को कुछ रुपए दे रहे थे, उससे कुछ बात कर रहे थे कुछ काम करवाने के लिए। सर, डीपीवी हॉस्पिटल से पता चला है कि महिपाल जी का पोता 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुआ। ये लो, काम खत्म और महिपाल जी रफू चक्कर। उस वार्ड बॉय का कुछ पता चला? हाँ सर, उसका नाम गोपाल है और वो वहाँ पर टेम्पररी बेसिस पे काम करता है। इस वक्त कहाँ? सर शायद घर पे, क्योंकि वो आधे दिन की छुट्टी लेकर वहाँ से गया है ये बोलकर कि उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? एड्रेस लिया ना उसका? हाँ सर। गोपाल, गोपाल। सर, लाश को ऑटोपसी के लिए भेज दिया सर। गुड। एम्बुलेंस चेक किया? सर कोई सुराग नहीं मिला। जो भी ये खून कर रहा है बहुत चालाकी से कर रहा है सर, कोई सबूत नहीं छोड़ा। सर वॉलेट मोबाइल कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये कपड़े और घड़ी मिली है। कपड़े और घड़ी? पॉकेट टैक्सी चेक तो किया ना? हाँ सर। घड़ी, जीएडी वॉच रिपेयरिंग, बोरिवली ईस्ट, इस जगह पे घड़ी रिपेयर के लिए गई है, यहाँ से इस आदमी का पता चल सकता है। बस हम लोगों का अंदाजा तो एकदम गलत निकला। गलत निकला मतलब? मतलब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस ही नहीं है। क्या? इस बच्चे का तो एक भी ऑर्गन गायब नहीं है।
तो फिर है क्या? ये देखो बस मैं बताता हूँ, ये सर्जरी की गई है और यहाँ पर ये स्टिचेज है जो एकदम ताजा है, मतलब ये स्टिचेज अभी लगाए गए हाल ही। लेकिन गौर से देखो बॉस, इसी सर्जरी के निशान पर इन स्टिचेज के पास में कुछ और भी निशान है, और ये निशान है पहले के स्टिचेज के, मतलब इसे पहले भी यहीं पर काटा गया, स्टिचेज लगाए गए और फिर स्टिचेज हटा दिए गए, फिर काटा गया और फिर स्टिचेज लगाए गए, दो सर्जरीज। पहले काटा, फिर सिल दिया, फिर से काटा, फिर सिल दिया, और तो बच्चे के शरीर का कोई भी पार्ट गायब नहीं है, तो फिर ये सारा चक्कर है क्या? क्यों किसी ने काटा इस बेचारे बच्चे को? और फिर है कौन ये? साहब, हॉस्पिटल के लिए और पैसे नहीं थे, इसलिए पोते को लेकर आया यहाँ। तो ये बात आपने हेमंत और सुनीता को क्यों नहीं बताई? कैसे बताता, वो खुद परेशान थे अपने बेटे को लेकर। उज्जवल की माँ बता रही थी कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे थे उनसे। हाँ, बात कर रहा था, मेरे पोते की किडनी खराब है, इसका जिक्र मैं उनसे नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा? और कौन है मेरा इस शहर में अपना पहचान वाला, और आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा? हेमंत और सुनीता ने भी आपकी बात मान ली कि मैं उनके बेटे के साथ कुछ बुरा कर सकता हूँ? अरे वो तो मेरे गांव के हैं, मेरे अपने घर के। वो आपके गांव के हैं, घर के हैं, तो फिर तो आप उनके घर में रहने क्यों नहीं गए? यहाँ वार्ड बॉय के घर में क्या कर रहे हैं? अरे साहब, मैं उनके साथ रह लेता अगर वो खुद मुसीबत में ना होते। बेचारे इस वार्ड बॉय ने मुझे अपने घर में पनाह दी है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, पता नहीं कब कोई डोनर मिल जाए और मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। आज पार्किंग में वार्ड बॉय को किस काम के पैसे दे रहे थे? किराए पर मकान लेने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं ना तो वो आएगा ना तो उससे पूछ लेना। उससे तो पूछ लेंगे, फिलहाल अभी हम चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। सर, अगर ये काम इनका नहीं है तो फिर किसका है? सर, ये तो मेरे दुकान की वॉच है सर, यहीं पे रिपेयर हुआ है। इसको देखा है क्या? सर यही तो है सर, इसी की तो वॉच रिपेयर की मैंने सर, 3-4 दिन तक रोज दिखा, उसके बाद 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। क्या करता क्या था यहाँ पे आखिर? सर कुछ नहीं, बाहर चाय की टपरी पर बैठा रहता था, चाय पीता था, इधर उधर देखता था। अच्छा जी, एक बात बताइए, वो अकेले आता था कि उसके साथ भी कोई और होता था? सर अकेले ही रहता था। ये कब आता था, कब जाता था? सर सुबह 9 बजे आता था, फिर 12 बजे जाकर, फिर 3 बजे आ जाता था, फिर शाम को ही जाता था। अच्छा, ये आपने सुना है कि आसपास कहीं किडनैपिंग हुई है या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं तो सर, मैंने तो कुछ नहीं सुना। सर वो यहाँ आता तो था मगर यहाँ कुछ किया नहीं। हो सकता है करने का मौका नहीं मिला या फिर करने वाला हूँ, इसीलिए जगह की रेखी करने के लिए आता था वो। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये 9 और 3 का क्या मतलब है? अगर यहाँ आसपास कोई स्कूल होगा, 9 बजे स्कूल खुलता है, 3 बजे छूट जाता है। यहाँ आसपास कोई स्कूल वगैरह है क्या? हाँ सर, सर बाहर ही दूसरी गली में लड़कों का स्कूल है। थैंक यू। पकड़ उसको हॉस्पिटल लेके जाने का है, पकड़ पकड़। बच्चे को देखो,
इस हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। आदमी इस एम्बुलेंस में बैठने जा ही रहा था, ड्राइवर ने उस पर गोली चला दी और जगह पे उसकी मौत हो गई। सर कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना ये खून और बच्चों का किडनैपिंग सिलसिला तो चालू रहेगा। तो शायद इस एम्बुलेंस से कोई रास्ता निकला। हाँ शायद कुछ तो मिलना चाहिए। ये क्या है? खाया हुआ सैंडविच रेडी, जरा पकड़ो। पंजाबी न्यूज़पेपर है दया। पंजाबी न्यूज़पेपर? तो क्या वो किडनैपिंग करने के लिए पंजाब से आया था? हो सकता है, जाकर देखना पड़ेगा। सर पूरे पंजाब में इस रमोना को ढूंढना कहाँ ढूंढेंगे? तुझे रमोना का एड्रेस नहीं मालूम? रमोना नाम नाम बार बार बोल रहे थे। पूरे पंजाब में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है दया, बॉर्डर टाउन एडिशन ही ये, बॉर्डर टाउन जा इस एम्बुलेंस को लेकर। बॉर्डर टाउन इस एम्बुलेंस में? हाँ दया, बॉर्डर टाउन। पंकज सोना मत, देखो आसपास, आसपास देखते रहो। ओ भाई ये पंजाब की एकदम गुलाबी चाय है, बहुत बढ़िया चाय है। सही बात है। अरे भाई दो चाय देना। जी साहब जी। पंकज जरा पूछना, ये रमोना के बारे में कोई कुछ जानता है क्या यहाँ पे? अरे ये रमोना के बारे में कुछ जानते हो क्या? कौन है, कहाँ है? साहब जी वो तो पता नहीं है, चाय दे दूँ या कॉफी? क्या भाई रमोना लॉज? रमोना लॉज? अरे अभी तुम बोल रहे थे ना वो अपने साथ वाले को, रमोना लॉज के बारे में पता करो। हम सोच रहे थे कि रमोना कोई औरत है जो ये रैकेट चला रही है, तो ये लॉज है, हो सकता है रैकेट वहीं चल रहा हो। अरे मियाँ कहाँ खो गए, पता पूछते। नहीं वो मैं रमोना लॉज के बारे में पूछ रहा था। हाँ देखते ही समझ गया था, एम्बुलेंस लेकर आए हो, रमोना लॉज ही जाना होगा। नए हो ना? हाँ। अरे तुमको पता है ना रमोना लॉज का है? अरे हाँ पता है, मैं भाई ड्राइवर हूँ, कोलकाता से लेकर आया हूँ एम्बुलेंस। मतलब सफेद रंग की एम्बुलेंस लेके आए थे? तो ये बताओ जाना कहाँ है, मैं किस तरफ है? आप यहाँ से सीधा जाइए, वहां से लेफ्ट लीजिए, थोड़ा आगे जाएंगे आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा बड़ा सा, उस पर लिखा होगा रमोना लॉज, बस वहीं अंदर घुस जाइए। अंदर जाएंगे आपको एक मैनेजर मिल जाएगा। चलो। अरे यार तुम्हारा चाय अच्छा नहीं लगा, ये लो।
सर ये बोर्ड रमणा लॉज सर यही है सर यहां सीधा देखते हैं अरे यार इतना छोटा नहीं 17-18 साल का चाहिए हाँ अरे एक बार बोला ना तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को ठीक है हाँ क्या चाहिए अरे लॉज में है तो रूम ही चाहिए होगा ना यार यहाँ कोई रूम खाली नहीं है सब रूम फुल है देख लो अगर मतलब कोई अरे भाई क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो यहाँ पे किसी और लॉज में जाओ ना अब क्या करें कमरा खाली नहीं है तो दूसरे लॉज में देखना पड़ेगा ना थैंक्स चलते हैं भाई साहब वॉशरूम यूज कर सकते हैं मतलब अरे प्लीज भाई बहुत बहुत लंबे रास्ते से है गड़बड़ हो जाएगी दो मिनट में हो जाएगा प्लीज ठीक है जाइए वो उस तरफ है बाथरूम थैंक्स 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 थैंक यू भाई नंबर के गधे हो तुम तुमको बोला था ना डबल प्लास्टिक में रेप करना है पाउडर को डबल करो थैली हट जाएगा नहीं तो ये और भाई जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे ही करना और यार जल्दी जल्दी करो सील नहीं तो इन्फेक्शन होने का खतरा है उज्ज्वल जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा है और सर सारे बेहोश हैं उन बच्चों को यहाँ सर्जरी के लिए रखा हुआ है उनके अंदर ड्रग्स भर के किसी दूसरे जगह पे ले जाया जाएगा इन बच्चों को ड्रग कैरियर्स बनाया जा रहा है हाँ ये ड्रग्स बेचने वाली कोई बहुत बड़ी गिरोह है जो तस्करी के लिए मासूम बच्चों का इस्तेमाल करते हैं मगर सर हमारे देश में तो सारे ड्रग्स सरहद पार से आते हैं हाँ आते हैं सरहद पार से आप समझ में आए वो डबल स्टिचेस का चक्कर क्या है और बिना फिरौती के बच्चे वापस कैसे आ रहे हैं हाँ सर एक पहले उसे खोला ड्रग्स अंदर डाला फिर सी दिया फिर से खोला ड्रग्स निकाला और फिर से सी दिया हाँ उन ड्रग्स को प्लास्टिक में रैप करके पेट के अंदर रख के सेल दिया ताकि पेट के अंदर जो एसिड है वो ड्रग्स के साथ घुल ना जाए पहले यहाँ से बाहर चलते हैं इसी भी साहब को इन्फॉर्म करते हैं चलो मैंने बोला था ना जल्दी आओ धन्यवाद भाई साहब वॉशरूम यूज करने दिया आपने थैंक्स रुक जाओ अरे वो ड्राइवर आ गया ना ड्राइवर अरे एक लंबा सा तगड़ा सा आदमी था और उसके साथ एक मोटा नाटा आदमी भी था अपना एम्बुलेंस लेकर आए थे मैंने ही उन्हें रास्ता बताया था मोटा आदमी ड्राइवर एम्बुलेंस यार कैसी बातें कर रहे हो तुम ड्रग्स स्मगलिंग के बारे में पता करने आए थे चलो अच्छा है सच्चाई जानकर मरोगे तो तुम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी भाई साहब हम तो सिर्फ मुझे छोड़ दो मैं कर बहुत होशियार बन रहे थे ना राजेश डॉक्टर सबको फोन लगाओ अभी लगाओ हेलो हेलो क्या हो रहा है वहाँ
कोई बताएगा मुझे? लगता है किसी को फोन लग गया। इससे पहले कि और लोग यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक काम करो, एम्बुलेंस निकालो, बच्चों को एम्बुलेंस में डाल के चलते हैं। एम्बुलेंस में नहीं, बैड लक। वो क्या है ना, लास्ट मोमेंट में थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ा। मैंने जो कुछ भी बोला वो तुम्हें गुमराह करने के लिए था, ताकि तुम मेरा पीछा करो और वहां लॉज से बच्चों को आसानी से हटा दिया जाए। मेरा उठ जा। Anyways, good job, officers. Good job. Doctor हो तुम? हाँ? Doctor कहलाने के लायक नहीं हो। जल्लाद हो तुम, जल्लाद। The great Doctor Anand. वाह वाह। बताइए Doctor Anand, क्यों किया तुमने ये घिनौना काम? बताइए जल्दी। पैसों के लालच में। पेशा डॉक्टर का, काम ड्रग्स की तस्करी। डॉक्टर लोगों को जिंदगी देता है पर तुम मौत बांट रहे थे। मेरी आंखों के आगे लालच का पर्दा फैल गया था। क्या अच्छा है क्या बुरा मैं समझ नहीं पा रहा था। लालच का पर्दा फैला था इसकी आंखों पर। अरे वाह, अगर पैसों की इतनी लालच थी तो मरीजों का इलाज करके पैसा कमाते, बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेलते तुम। पर हम बच्चों को मारते नहीं थे, काम हो जाने पर वापस छोड़ देते थे। चुप, चुप। और इसलिए बेचारे माँ बाप कुछ बोल नहीं पाते थे, ये सोच करके हमारा बच्चा वापस तो आ गया, क्यों पुलिस के झमेले में थे, है ना? मासूम बच्चों को फंसाते कैसे थे तुम लोग? हम एम्बुलेंस लेकर निकलते थे और जानबूझकर बच्चों से टकरा जाते, फिर इलाज के बहाने बच्चों को एम्बुलेंस में डालकर अपने अड्डे पर ले जाते थे। और रास्ते में उस मासूम बच्चे को तुम बेहोशी का इंजेक्शन देते थे ताकि उसे कुछ याद न रहे। हा? आइडिया किसका था एम्बुलेंस का? हम सभी जानते हैं कि एम्बुलेंस की चेकिंग नहीं होती, इसी का फायदा उठाकर हम बेहोश बच्चों को एम्बुलेंस में ले जाते थे और हमें कोई पूछता भी नहीं था। वाह रे वाह डॉक्टर आनंद, वाह। तुम्हें क्या लगा हमें कुछ पता नहीं था? बहुत पहले से शक था तुम पर, कड़ी नजर थी हमारी। रमोना लॉज में तुम अपना घिनौना काम करते थे, वहीं पे पता चल गया।
देश में और कितने अड्डे हैं तुम्हारे, सब ढूंढ कर निकालेंगे हम। अब ये इस देश में जहां जहां पर डॉक्टर आनंद के अड्डे हैं ना, सबके सब नेस्तनाबूत कर दो और इसके सारे लोगों को गिरफ्तार कर लो जो अपना पेट पालते थे बच्चों का पेट काट कर। और ये डॉक्टर आनंद, ये शैतान ड्रग बेचने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल करता था और तो और एक मासूम बच्चे की जान भी ली है इसने। कानून तो इसे कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी इसे, फांसी होगी इसे फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।